आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंस्टेंट बनने वाला सूजी उत्तपम की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में उतना ही टेस्टी होता है। इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है 1 कप सूजी या रवा, साथ ही हमने डाला है 1/2 कप फ्रेश दही, नमक, काली मिर्च पाउडर और पानी। पानी आप थोड़ा डालें। इन सभी को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। दो से तीन मिनट तक मिक्स करने के बाद हमने इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया है। फिर हमने एक पैन में डाला है तेल, चना दाल, उड़द दाल, जीरा और सूखी लाल मिर्च। अच्छी तरीके से इसे भून लेंगे। हमने 2 से 3 मिनट तक इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लिया है। फिर इसमें डाला है लहसुन और 10 सेकेंड के लिए स्टर कर लें। फिर इसमें डालना है 1 कटे हुए प्याज और मिक्स कर 2 मिनट तक प्याज को भी पकने देंगे। इस तरीके से प्याज का कलर जब चेंज हो जाएगा तो हमने इसमें डाला है कटे हुए टमाटर, नमक, साथ ही हमने डाला है चुटकी भर हल्दी पाउडर। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और टमाटर के सॉफ्ट होने तक हमने इसे पका लेना है। इस तरीके से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर हमें टमाटर को पकने देना है और गैस का फ्लेम ऑफ कर इसे ठंडा होने देंगे। इसके बाद हमने इसे एक ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर अच्छी तरीके से ब्लेंड कर एक प्यूरी तैयार कर लिया है। हमने इसमें तड़का लगाया। तड़के के लिए हमने सरसों के तेल में कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च डाली थी। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से टमाटर की चटनी तैयार हो गई है। इसे आप किसी भी साउथ इंडियन डिश के साथ सर्व कर सकते हैं। 20 मिनट के बाद बैटर तैयार हो गया है। इसमें हमने डाला है धनिया, कद्दूकस किए हुए अदरक, हरी मिर्च और पानी। इन सभी को मिक्स कर लेना है। पानी हमने ज़्यादा नहीं डाला है। एक सेमी थिक बैटर तैयार कर लेंगे। इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने यहाँ एक लिया है तवा। तवे पर हमने तेल डाला है। तेल को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेना है और 1 स्पून बैटर इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है। बैटर को आप ज़्यादा ना फैलाएं। इसके ऊपर हमने डाला है बारीक कटे प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। इस तरीके से इसे डालकर हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमने इसके ऊपर डाला है बटर और 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। फिर दूसरे साइड से इसे फ्लिप कर ले और इसे भी 3 मिनट तक पकने देंगे और निकाल लेंगे। इस तरीके से इंस्टेंट बनने वाला सूजी उत्तपम तैयार हो गया है। आप भी इसे ब्रेकफास्ट में तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।